क्या हो गया? हुआ क्या? जिसने मुझे रोका ना, मेरा टैक्सी मार के उसका मुंह बक्से जैसा करते ना। क्या हो गया भाई? अभी क्या हुआ? स्यापा हुआ स्यापा। पाजी मैं भैंसों के साथ तबेले में रह लूंगी, लेकिन इस बच्चे के साथ मैंने नहीं रहना। क्या हो गया? नहीं, मैं जा रही हूँ अनिल कपूर जी के घर। अभी वो तो खुद यहाँ आए हुए हैं, वो देखो। तभी तो जा रही हूँ, जब घर में होते तो घुसने नहीं देते ना। हेलो अनिल जी। हेलो जूही मैम। हेलो। हेलो सोनम, कैसे हैं आप? बहुत अच्छी, आप कैसे? मैं भी एकदम झकास हूँ। अनिल जी, आप मुझे लेने इतनी लेट क्यों आए? मैं तो इंतजार कर रहा था आपका। वो तुम्हें लेने नहीं आए भाभी, वो फिल्म का प्रमोशन करने आए। हुआ क्या? मैं भी फिल्म का प्रमोशन ही कर रही हूँ। अनिल जी, मैं हम उम्र के साथ बात करती हूँ 30-30। आपको पता, जब से मेरी शादी हुई है ना, मेरी जिंदगी झकास से बकवास हो गई है। 11 बच्चे साबुत घूम रहे हैं तुम्हारे। एक और एक 11 होते, इसके और इसके पति ने साबित किया, ये शर्म नहीं आती? तो क्या हो गया, बंदे ने मेहनत की है, तालियां बजाओ बच्चा के लिए। मेरी बड़ी इच्छा थी, मेरा एक सपना था कि मैं शादी में ऐसे तैयार हूँ, और बारात में पीछे जाती है ना चाचियां से, फिर आप मुझे कहो नाच तितली, मैं कहूँ नाच ना, मैं कहूँ फिर तीसरी बारी मैं ऐसा नाचू कि तमाला डाल दूँ। नहीं, आप वही सीन करते हो। 11 बच्चे होते हैं अनिल कपूर जी, पहले वाला धार मारता 11वें का डायपर गीला, 11वां मारता तीसरे का, तीसरा मारता चौथे का, चौथा मारता जिग जैग खेल रहे होते हैं ऐसे ऐसे करके। मैं तो कभी कभी डर ही जाती हूँ जूही मैम, मेरे को लगता है 11 फाउंटेन एक साथ ही छोड़ दिए। लेकिन मैं एक बात बताऊं, मुझे आज तक अपने हस्बैंड का कभी प्यार ही नहीं मिला, 400 लोग हैं शादी को, आज तक उन्होंने मुझे गले नहीं लगाया। नील जी, लगाता है, पेट बीच में आ जाता ना, क्या करे। सोनम से सीखो कुछ, जूही मैम से सीखो। मैं सीखती हूँ, I am fit, हाँ, ओके? मेरे सारे सपने अधूरे रह गए, मेरे कितने सपने थे कि मेरे सपनों का राजकुमार से घोड़ी पे चढ़ के आया, हाथी आया घोड़ी पे चढ़ के और मुझे तबेले पे ले गया। मेरे सपने पता क्या थे देवर जी? मेरा सपना था मैंने ऐसे पुच्छों वाला काजल डाला हो, मेरी दो सोटियां हो टाइट, मेरी स्वामी ऊपर से भी ऐसे टाइट, में साइकिल चलाऊं खड़क करके अचानक से साइकिल की चेन उतर जाए और अनिल जी आके चेन चढ़ाए। इतने बड़े सुपरस्टार चेन चढ़ाने आएंगे? साइकिल की नहीं, मुझे सोने की चेन चढ़ाए। छोटी सोच इनकी। अभी ये सपने तो अपने घर वाले के साथ देखना, बच्चा के साथ। उसके साथ सपने क्या पूरे होंगे, हमारा कंबल पूरा नहीं होता। जूही मैम, जब मेरी टांगे अंदर तो उनकी बाहर, जब मेरा पेट अंदर तो उनका बाहर। जब हमारे मुंह अंदर तो उनकी एंटीना जैसी चोटी बाहर। ठीक है भाभी, तूने सोच ही लिया तो छोड़ दे तू अपना घर, क्या कर अपने सपने पूरे। ओए राम, शर्म आनी चाहिए सारे समाज के सामने, आप एक माँ को बोल रहे हो कि वो अपने बच्चों को छोड़ के चली जाए। देवर जी, एक माँ अपने पति बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन 11 बच्चे नहीं, समझे? भाभी मैंने कुछ कहा नहीं, तुम खुद ही कह रही थी। खुद ही कह रही थी, मैं केला खोब के मर जाऊंगी। खुद ही कह रही थी, कहते पाजी। आपको ये दर्द कब समझ आएगा देवर जी, जब आप खुद माँ बनोगे। अनिल जी, जूही मैम, सोनम, आप इनको सिर्फ इंटरव्यू देना, घर की कोई बात नहीं करनी इस बंदे के साथ, ये ऐसे क्लेश पड़वाता ना, इसने घर ऐसे करवा देना।